नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सत्येंद्र। और आज के इस टॉपिक पर हम समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। दोस्तों, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी पता होना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इन्फिनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट एंड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको ये टॉपिक्स पता हैं तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और अगर आपको नहीं पता तो आप पहले वो वीडियोस देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको यह वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ओके, तो उन टॉपिक्स से मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़े हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो दोस्तों आइए समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह समझना, शुरुआत यहाँ से होगी, सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स से। आपको इमेजिन करना है सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। ठीक है, ये क्या है हम देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पास हमने एन पार्टिकल्स ड्रॉ किए हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, ऐसे करते करते आइथ पार्टिकल आएगा, फिर एन पार्टिकल, मतलब टोटल एन पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ आपको हमने एन पार्टिकल का एक सिस्टम दिखाया है। ठीक है, ओके। अब हमने क्या बताया आपको, अब आपको यह समझना है, इमेजिन करना है कि यह जो एन पार्टिकल का सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पे है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब ये हो गया कि इस पे हर एक पार्टिकल, ठीक है, इस पे हर एक पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, हर पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल हैं, ठीक है, हर पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे होगा, क्योंकि सिस्टम एन पार्टिकल सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। अब दोस्तों मैंने जैसे ऑलरेडी ही आपको बता चुका हूँ कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो उसके पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम पे होंगे, और जो पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे होता है उस पे लगने वाले नेट फोर्सेस ज़ीरो होते हैं। ठीक है, और इसलिए वह पार्टिकल बिल्कुल किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। ठीक है, ओके। अब दोस्तों सपोज द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ आइथ पार्टिकल। ठीक है, आइथ पार्टिकल की आपको क्या करना है, पोजीशन आपको इमेजिन करनी है। तो मैं यहाँ पास आपको दिखाता हूँ, आप किसी भी एक को आइथ पार्टिकल ले सकते हैं। चलिए मान लीजिए हम इसको आइथ पार्टिकल ले लेते हैं, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, आर आई। तो ये हो गया आपका आइथ पार्टिकल, और ये हो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया आर आई। ठीक है, आई का मतलब ये है कि आई जो है वन से लेके, वन टू से लेके एन पार्टिकल्स तक जा सकता है। ठीक है, तो आई एक जनरल टर्म है जो किसी भी पार्टिकल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या करना है आपको, अब आपको इमेजिन करना है, इमेजिन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ आइथ पार्टिकल। ठीक है, आपको यह इमेजिन करना है कि जो आइथ पार्टिकल है आपका, यहाँ जो आइथ पार्टिकल है ये, इसमें एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसे हम कहेंगे इन्फिनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब दोस्तों सिंस द पार्टिकल, सिंस पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, मगर हमने बताया आपको कि पार्टिकल किस पे है, इक्विलिब्रियम पे है, इसीलिए इट शुड नॉट मूव, इसलिए उसको हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। इसीलिए क्या है दोस्तों, वह रियली में नहीं हिलेगा, हमने सिर्फ इमेजिन किया है कि वह अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चला गया। ठीक है, इसलिए हम इमेजिन कर रहे हैं, हैंज वी कॉल इट्स डिस्प्लेसमेंट, ओके, एज वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि रियल में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है वह हमने सिर्फ कल्पना की है, इसलिए इस डिस्प्लेसमेंट को हम कहेंगे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। और इस आइथ पार्टिकल की जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, हम उसको कहेंगे डेल्टा आर आई। ठीक है,
यहाँ जो आई है वन टू से लेके एन तक जाएगा, मतलब ये किसी भी पार्टिकल को डिनोट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी मैंने एन पार्टिकल सिस्टम को ही ड्रॉ किया था समझाने के लिए। ठीक है, तो ये भी एन पार्टिकल सिस्टम है। ओके, अब दोस्तों एस ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, एस ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन प्रीवियस लेक्चर, मैंने अपने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का जो मेरा लेक्चर वीडियो है, मैंने उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि जो आर आई होता है, पोजीशन वेक्टर होता है आर आई, वह एन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, इसी कारण से हमने लिखा है आर आई इक्वल्स टू आर आई, मतलब जो आर आई है ये इतने कोऑर्डिनेट्स का, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है। तो दोस्तों ये क्या है, वन टू से लेके एन तक जा रहा है। ठीक है, अब ये जो एन है दोस्तों, ये एन है ये 3n के बराबर हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब क्योंकि दोस्तों आर आई जो है, जो पोजिशन कोऑर्डिनेट है आइथ पार्टिकल का आर आई, ठीक है, यह जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू पे डिपेंड करता है, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा आर आई वह भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्यू वन क्यू टू से लेके क्यू एन पर डिपेंड करेंगे। इसलिए जो जनरलाइज्ड, सॉरी, इसलिए जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा आर आई, डेल्टा आर आई जो है वह भी क्यू वन क्यू टू और क्यू एन पर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, ओके। अब दोस्तों ये देखिए, सिंस द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब ये है, सॉरी, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, जो कि हमने ऑलरेडी शुरुआत में ही सपोजिशन है हमारी, इसका मतलब ये हुआ ईच पार्टिकल ऑफ द सिस्टम, इसका मतलब ये हो गया कि सिस्टम का हर एक पार्टिकल, मतलब फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल और आइथ पार्टिकल, ठीक है, हर पार्टिकल सिस्टम का इक्विलिब्रियम पे होगा। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो नेट फोर्स होगा ऑन ईच पार्टिकल, हर पार्टिकल पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वह ज़ीरो होगा। मतलब ये हो गया कि जो आइथ पार्टिकल पे जो लगने वाला फोर्स है वह ज़ीरो है, जहाँ जो आई है आपका वन टू से लेके एन तक जा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों अगर हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो वर्क डन होता है, वर्क इक्वल टू होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू होगा एफ डॉट डेल्टा डी आर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमने आपको जैसे बताया कि डेल्टा आर जो है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि रियल में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, यह सिर्फ हमारी कल्पना है, इसलिए डेल्टा आर क्या है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। अब क्योंकि दोस्तों डेल्टा आर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, इसके कारण ये फोर्स जो होगा, ये जो वर्क डन होगा, ठीक है, यह वर्क डन भी वर्चुअल वर्क कहलाएगा। ठीक है, इसीलिए दोस्तों इस डेल्टा डब्ल्यू को कहा गया है वर्चुअल वर्क, क्योंकि हमारा डेल्टा आर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। तो दोस्तों वर्चुअल वर्क को हम ऐसे लिखते हैं, अब यहाँ पास ये जो वर्चुअल वर्क लिखा गया है दोस्तों, ये आइथ पार्टिकल के लिए लिखा है, तो आइथ पार्टिकल पे होने वाला जो वर्चुअल वर्क है वो है एफ आई डॉट डेल्टा डी आर आई। ठीक है, तो ये आइथ पार्टिकल में लगने वाला वर्चुअल वर्क है। ठीक है, अब दोस्तों क्योंकि हर आइथ पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे है, इसलिए उस पर लगने वाला जो फोर्स है वह ज़ीरो होगा। ठीक है, नेट फोर्स जो होगा उस पर ज़ीरो होगा। इसी कारण से दोस्तों अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पास ज़ीरो पुट करेंगे तो यह पूरा ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ ज़ीरो से मल्टीप्लाई होने पर यह ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये है दोस्तों, ऊपर वाला आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको इतना मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों ये वर्चुअल वर्क है, ओके, ये जो एक वर्चुअल वर्क है जो आइथ पार्टिकल के ऊपर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आइथ पार्टिकल पर जो वर्चुअल वर्क है वह ज़ीरो है। ठीक है, तो इफ़ वर्चुअल वर्क फॉर ईच पार्टिकल इज ज़ीरो, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हर पार्टिकल पर होने वाला वर्चुअल वर्क अगर ज़ीरो होगा तो सम ऑफ वेक्टर, सॉरी, सम ऑफ वेक्टर, सम ऑफ वर्चुअल वर्क ऑफ ऑल द पार्टिकल विल ऑल्सो भी ज़ीरो।
तो जो वर्चुअल वर्क होगा हर पार्टिकल का वह भी जीरो होगा, क्योंकि हर पार्टिकल का वर्चुअल वर्क जीरो है, तो उन वर्चुअल वर्क्स का जो सम होगा वह भी जीरो होगा। तो यहाँ पास जो डेल्टा डब्ल्यू है यह पूरे वर्चुअल वर्क्स का सम है, ठीक है। और ये जब हम इसको समेशन में लिखेंगे तो डेल्टा डब्ल्यू आई की जब वैल्यू यहाँ रखेंगे तो इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यह आपका एक बेसिक इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। ओके, तो दोस्तों अब आप ये वाला जो लास्ट वाला इक्वेशन देख रहे हैं जो निकल कर आया है दोस्तों, यह इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को ही हम कहते हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है। यह इक्वेशन आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, हो सके ज़्यादा हो तो दीवार में लिख लें, कहीं भी आप लिख कागज़ में लिख के चिपका लें, क्योंकि यह इक्वेशन ऐसा इक्वेशन है, अगर यह आपको याद नहीं है तो आप सी एस आई आर नेट के एम एस सी के न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। और जहाँ जहाँ ये थ्योरम यूज़ होती है उन सब्जेक्ट्स में भी आप महारत हासिल नहीं कर पाएंगे अगर आपको यह इक्वेशन याद नहीं होगा तो, ठीक है। सो इट इज़ वेरी यूजफुल रिजल्ट, ओके, इट इज़ वेरी यूजफुल रिजल्ट टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको इस इक्वेशन की मदद से बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आइए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एक्चुअली में स्टेटमेंट में क्या है, ठीक है। तो सो द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क स्टेट्स दैट द वर्क डन इज ज़ीरो इन केस ऑफ एन आर्बिट्ररी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सिस्टम फ्रॉम ए पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो दोस्तों ये बोल रहा है, ठीक है, कि जो सिस्टम है अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो जो वर्क डन होगा वह ज़ीरो होगा। अगर आप कोई भी वर्चुअल अगर आप ये देखिए मैं फिर से बोलता हूँ, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है, और अगर आप ये माने कि कोई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, कोई वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ है और सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है तो वर्क डन जो होगा वह ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब ये तो कंप्लीट हो गया, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल समझाऊंगा। ये एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है आपके लिए, तो मगर ये नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पास सिर्फ वर्चुअल वर्क की थ्योरी फिनिश हो जाती है, ओके दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो सब पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और थैंक्स फॉर योर सपोर्ट दोस्तों। इस प्रकार के वीडियोज़ और देखने के लिए अपने दो आप इनको अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे और हम आपको के लिए नए नए वीडियोस लाते रहें, ठीक है दोस्तों। ओके बाय।